हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो दो अंकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग में दिक्कत आती है। तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है 2, 3 और इसमें हमें जोड़ना है 4, 5 को, ठीक है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इसके बाद में इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा ताकि हर बच्चे को समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, 3 और 5 को हमें जोड़ना है, तो 3 है तो हम 3 लाइन खींच लेंगे, 1, 2, 3। 5 है तो 5 लाइन और खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब सभी लाइनों को एक साथ गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना हो गया, 8। तो यहां पर हम लिख देंगे 8, ठीक है। चलिए अब इसको यहां से मिटा देते हैं। अब इसके बाद में देखिए, 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे, 1, 2। फिर 4 है तो 4 लाइन और खींचेंगे, 1, 2, 3, 4। अब सभी को एक साथ गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना हो गया, 6। तो यहां पर हम लिख देंगे 6, ठीक है। अब इसको यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे कि घटाना किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ऊपर वाली संख्या में से, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 6 है, 6 में से हमें 2 को घटाना है, तो 6 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से हमें कितने घटाना है, 2 घटाना है, तो 2 लाइनों को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमने 2 लाइनों को काट दिया, ठीक है। अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4 कितने बचे, 4। तो यहां पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद में 9 में से 3 घटाना है, तो 9 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब सभी लाइनों में से ये 9 लाइन हमने खींच दी। अब इसमें से हमें 3 लाइनों को घटा देना है, तो 1, 2, 3, ठीक है। अब जितनी बची है उनको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर आ जाएगा 6, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हमें 53 का गुणा करना है 44 से, ठीक है। तो गुणा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम 3 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, फिर 5 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का करते हैं 4 में, कितनी बार कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरकनों 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आता है, 12। तो 12 का हम लिखेंगे 2 यहां पर, और जो 1 है वो वहां से आ जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए अब 3 का हमें 4 में फिर से करना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरकनों 3 चौके 12, और 1 हासिल वाला कितना हो गया, 13। तो यहां पर हमने लिख दिया 13, ठीक है। अब 1 अंक का हो चुका है तो 1 क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब 5 का करेंगे, तो 5 का करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 का 4 बार, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 20 हम लिखते हैं ऐसे, तो 20 की आ जाएगी 0 और 2 आ जाएगा हमारा हासिल, ठीक है। चलिए 5 का फिर से 4 में करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, और 2 कितने हो जाएंगे, 22। तो यहां पर हम लिख देंगे 22, ठीक है। चलिए अब इनको हमें जोड़ लेना है, तो यहां पर कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 है तो ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा गुणा भी हो गया। चलिए अब भाग सीखते हैं। भाग में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को समस्या आती है, तो भाग को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो यहां तो देखिए, हमें 1 अंक की संख्या से भाग देना है, तो सबसे पहले हम 1 अंक में ट्राई करेंगे, क्या 2 से 9 में भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि 2 से 9 बड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 9 आए या 9 से कम आए, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा, हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 4, तो 2 चौके कितने आए 8, तो यहां पर हम लिख देंगे 8, ठीक है। अब घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब इसका अगला नंबर क्या है, 8, तो 8 को हम उतार लेंगे यहां पर, ठीक है।
चलिए अब दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 18 आए या 18 से कम आए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, दो एक कम दो, दो दुनी चार, दो तीय छः, दो चौके आठ, दो पंजे दस, दो इछिंग बारह, दो सत्य चौदह, दो अट्ठे सोलह, दो नाम अट्ठारह। दो का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आता है 18, तो ये हमने लिख दिया 18। अब 18 में से 18 का क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और ये जो है हमारा क्या आ गया है आंसर निकल कर आ चुका है। इस प्रकार से जोड़ घटाना गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।